जीवन में यदि उत्साह ना हो, उमंग ना हो, कोई प्रेरणा ना हो, तो जीवन एक बोझ बन जाता है। परंतु वही जीवन यदि सुख से भरपूर हो, जीने का कोई लक्ष्य हो, जीने में उमंग हो, तो जीवन कितना सुंदर लगता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब भारी भारी बस्ता अपनी कमर पर बांधकर स्कूल जाते हैं, तो देखकर बेचारों को लगता है कितना बोझ अभी से उनके ऊपर पड़ गया। लेकिन ये तो व्यवस्था है। आज इनको चांद सितारों की साइंस विज्ञान यदि पढ़ना है, तो मोटा बस्ता तो ले जाना ही पड़ेगा, उससे तो छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे आसनों की श्रृंखला में धनुरासन एक ऐसा आसन है जो हमारी पीठ, जो सारा बोझ ढोती है, उसको सुदृढ़ बना सकता है, लचीला और शक्तिशाली एक ही समय में। आज हमारी बच्चियां शिवानी श्री और दिव्या श्री, जो पांचवी और चौथी कक्षाओं की छात्राएं हैं, वो आपको दिखाएंगी धनुरासन। आप दोनों अपने अपने आसनों पर पेट के बल लेटें। श्वास सामान्य रखें, अभी तनाव नहीं, अभी शरीर सामान्य, श्वास सामान्य। अब एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को मोड़ें और दोनों हाथों से तखने इस प्रकार पकड़ें कि पांचों उंगलियां एक हो। शरीर को संतुलित करें, मन में कल्पना करें कि आपको अपने शरीर से धनुष जैसी आकृति बनानी है। दोनों पांव को धीरे धीरे आकाश की ओर उठाएं, श्वास भरते हुए माथा उठाएं, धड़ उठाएं, पूरा धड़। पांव को अपनी ओर खींचें, धीरे धीरे हिलना शांत करें, हिलेंगे नहीं, स्थिरता। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों में तनाव बनाए रखें, गर्दन जरा सी और ऊंची, श्वास सामान्य रखें, श्वास लेते रहें। पांच क्षण और रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आना है, पांव छोड़ दें, धड़ पृथ्वी की ओर, दोनों पांव वापस। बाया शिथिलासन, जिस प्रकार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेने से शत्रु सामने नहीं ठहर सकते, नहीं तो बाण का शिकार हो जाएंगे, उसी प्रकार जब बच्चे शरीर के द्वारा धनुष की आकृति बनाते हैं, तो पीछे का मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जो मस्तिष्क से शुरू होकर नीचे तक आई है, मूल द्वार तक, और जिसमें 35 गोटियां हैं और पूरे शरीर का भार पूरे जीवन पर्यंत इस रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, मेरुदंड पर, तो जब धनुष जैसी आकृति बनाकर इस मेरुदंड को विपरीत दिशा में मोड़ते हैं, पीछे की ओर कर्व करते हैं, तो कितना परिश्रम और धैर्य चाहिए उस रीढ़ की हड्डी को पीछे मोड़ने में, जिसमें आजकल कितनी विकृति आती है और कितना उसका चिकित्सा चलती रहती है। धनुष आसन से रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक गोटी को बल मिलता है, उसके बीच की मांसपेशी में लचक आती है, हाथों को प्रत्यंचा की भांति जो पैरों से पकड़ना पड़ता है, और जो खिंचाव तनाव आता है उस पर भुजाएं बच्चों की बहुत सशक्त होती हैं, कंधे, कोहनियों के जोड़, कलाई इतने सशक्त होते हैं कि भारी से भारी बस्ता और जीवन का बोझ वो फूल की तरह उठा सकते हैं। अधिक से अधिक सीना आकाश की होने के कारण सीना चौड़ा होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और हृदय में बहुत देर तक श्वास भरने की क्षमता होती है। पेट का खिंचाव आकाश की ओर होने के कारण पेट के जितने अंग हैं वो सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, पाचन अच्छा होता है। आपने देखा
कि जंघाएं कितनी शक्ति से पीछे की ओर खींची हुई थी, तो जंघाएं और घुटनों के जोड़ बहुत बलिष्ठ होते हैं। बच्चों को बहुत पैदल चलना पड़ता है। अगर बच्चों के पैर कमजोर हों, जल्दी दुखने लगते हैं, घर जाकर बजाय पढ़ने के उनमें रुवांसा भाव हो जाता है, या तो सोना चाहते हैं या तो बैठकर विश्राम करना। परंतु यदि आधा घंटा भी रोज बच्चे व्यायाम करें और विशेषकर धनुषासन, तो शारीरिक जो एक कमजोरी दुर्बलता बच्चों में हो जाती है वो नहीं होगी, और एक एक अंग प्रत्यंग रीढ़ की हड्डी जोड़ पुष्ट होंगे, बलिष्ठ होंगे, और जीवन के भार को फूल की भांति वो उठा लेंगे।